नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। वैद्य सूरत सिंह स्मारक आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला राजगढ़ की ओर से वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह विद्यालय परिसर में धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ इसी विद्यालय के विद्यार्थी पीजीआई चंडीगढ़ के पूर्व निदेशक और देश के प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर जगत राम ने किया और उनके साथ पझौता स्वतंत्रता सेनानी कल्याण समिति के अध्यक्ष जयप्रकाश चौहान ने वरिष्ठ अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना के साथ किया गया। इसके बाद विद्यालय के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इसमें पहाड़ी नाटी, भजन, फिल्मी गीत, पंजाबी गिद्दा, हरियाणवी गीत, देशभक्ति गीत और शिक्षाप्रद नाटक पेश किए गए। विद्यार्थियों ने मंच पर पूरे देश की संस्कृति को पेश करके दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। विद्यालय के प्रिंसिपल पंकज कुमार बख्शी ने मुख्य अतिथि और वहां पर आए हुए अन्य लोगों को विद्यालय के एक वर्ष की उपलब्धियां पढ़कर बताई। शिक्षा, खेलकूद और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्रों को मुख्य अतिथि ने स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। राजगढ़ से हमारे संवाददाता जी डी शर्मा की रिपोर्ट। यातायात की सारी सुविधाएं प्राप्त है। मुझे आज इस अवसर पर अपने युवा छात्रों के बीच आकर उन्हें संबोधित करने का गौरवपूर्ण अवसर मिला है। यह छात्र हमारे देश का भविष्य है और उनके ऊपर भारत को विकसित करने, विकसित देश बनाने का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यह अनोखा अवसर है जब मुझे इस मौके पर आज सभी से सामाजिक मूल्यों जैसे ईमानदारी, व्यवहार कुशलता, कर्तव्य परायणता, मेहनत का महत्व जैसे विषयों पर अपने विचार साझा करने का अवसर मिला है। आज मैं आप लोगों के साथ शिक्षा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को साझा करना चाहूंगा, क्योंकि मैं आजीवन शिक्षक रहा हूं और शिक्षण मेरा पैशन रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, शिक्षण बहुत ही नोबल प्रोफेशन है जो सभी के लिए। आज गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़ का एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पद्मश्री प्रोफेसर जगत राम जी ने पार्टिसिपेट किया। इसके साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर श्री जयप्रकाश चौहान जी ने पार्टिसिपेट किया। इस फंक्शन के दौरान लगभग 350 प्राइजेस विद्यार्थियों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए गए, उनको सम्मानित किया गया। विद्यालय ने उन सभी विद्यार्थियों को सम्मानित करने का प्रयास किया है जिन्होंने विद्यालय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी सहभागिता निभाते हुए विभिन्न ऊंचाइयों को छुआ है। हम उन सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हैं, साथ ही ये समझते हैं कि यहाँ जो फंक्शन है वो विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी एक उदाहरण होगा और वो आने वाले समय में मेहनत करके टारगेट बनाकर इन सभी ऊंचाइयों को छूने के प्रयास में कम्पीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज के फंक्शन की विशेष बात ये रही कि पद्मश्री प्रोफेसर श्री जगत राम जी स्वयं इस विद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं और उन्होंने जब मुख्य अतिथि के तौर पर अपना वक्तव्य दिया तो भावुक होते हुए उन सभी यादों को संजोया जो उनकी बचपन से जुड़ी हुई थी। उनका 5-6 किलोमीटर से पैदल आना, उनका उस समय के टीचर्स को याद करना, उनका धन्यवाद करना और अपने पुराने साथियों को जो उनके क्लास के साथी थे उनको याद करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज था। मैं प्रोफेसर साहब की इस पर्सनैलिटी से बड़ा इम्प्रेस हुआ कि इतनी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर नेत्र रोग विशेषज्ञ होने
का जो उनका नाम है, उसके बावजूद वो इतने विनम्र और डाउन टू अर्थ हैं कि हम सबको उन्होंने अपने पर्सनैलिटी से प्रभावित किया। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।